यहाँ से पार दिख रही है रोनी घाटी। मैं पिछले व्लॉग में इसको ब्लैक लेपर्ड बोला है, बट ब्लैक लेपर्ड नहीं होता, ये है रोनी घाटी। अभी हम उधर पार से आए हैं। ये बहुत पुराना घर है, पहले इस टाइप के घर हुआ करते थे, पर बहुत कम इस टाइप के घर मिलते हैं। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं एकदम बढ़िया हूँ। सो आज मौसम आप देख सकते हो कितना ख़राब है, और अभी 4 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, मतलब 4 बजने वाले हैं, और हम लोग मध्यान्ह बाजार तक जा रहे थे थोड़ा सा सामान लेने के लिए। सो अभी फटाफट जाते हैं ताकि हम टाइम से वापस भी आ सकें, क्योंकि रात होने वाली है और मौसम ख़राब है, कहीं हमें बारिश ना लग जाए। और मैं और अदिति जा रहे हैं, तो साथ में हमारा डॉगी भी चल पड़ा था, पर पता नहीं कहाँ गया। ये अदिति, सो चलो चलते हैं मार्केट की ओर। हम धार से थोड़े इधर आ गए हैं, और यहाँ से पार दिख रही है रोनी घाटी। यहाँ से पहले मध्याना दिख जाता है, यहाँ से मध्याना के लिए थोड़ा ही जाना पड़ता है। यहाँ से बाजार तक 30 मिनट लगते और इस वाली साइड भी बर्फ थोड़ी थोड़ी रही है, शायद धूप कम लगती होनी। यहाँ पार घर थे, हमने एक धार क्रॉस कर ली है, और यह है नीचे रोड जो कि कहाँ जाता है, मोगड़ा वगैरह के लिए जाता है। और रोनी घाटी यहाँ से थोड़ी दूर रह गई है, यहाँ से 2 मोड़ क्रॉस करने के बाद रोनी घाटी हम पहुँच जाएंगे। ये हमारा ब्लैक पैंथर छोटू सा, पिछले व्लॉग में इसको ब्लैक लेपर्ड बोला है, बट ब्लैक लेपर्ड नहीं होता, ब्लैक पैंथर होता है, मुझे आज ही याद आया, और मैं कल ब्लैक लेपर्ड कर रही थी। ये पहुंच गए हम रोड, ये पार शाली टिब्बा। जिससे कि मैंने कल क्या शिकारी माता बना लिया था व्लॉग, मैं बोलती हूँ शिकारी माता ना, मुझे बोलता हाँ ये शिकारी माता। ये है रोनी घाटी। ये है नीचे NH। इस मोड़ से पार मध्याना पूरा दिखेगा, अभी तो सिर्फ इतना एरिया दिख रहा है। यह है पार मध्याना, ये है जितनी के बड़े पापा का घर। मेरे तो फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और अपलोड के लिए डाल दिया, और फ़ोन की बैटरी उसी में ख़त्म कर दी। अभी मैंने देखा फ़ोन में बैटरी नहीं है। यह है मध्याना का गवर्नमेंट स्कूल, और अभी हम थोड़ा नीचे तक जा रहे थे क्योंकि मासी ने सूट दिए वे सिलने के लिए, तो वो लेने थे। यहाँ भी ये एक और स्कूल है JKM, ये है JKM स्कूल का गेट। और ये पारशिलारू की घाटी, अभी हम उधर पार से आए हैं। ठीक है, कर दो टोटल ना, टोटल कर लो और तो लेना कुछ
ये हो गया जी आपका एक किलो गोभी। हाँ जी। और एक किलो शिमला मिर्च, सोया सॉस, टोमेटो सॉस। सोया हो गया, एक टोमेटो हो गया। हाँ जी। 250 क्या ले रहा है? देख रहे हम लोग फाइनली सारा सामान लेके खत्म हो गए और अब हम वापस जा रहे हैं। काफ़ी है आज तो, मेरे नाक से गंगा यमुना बह रही है, बहुत ठंडे कान भी एकदम ठंडे हो गए हैं। अब बस फटाफट से हम लोग घर पहुंच जाए। हम लोग वापस पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे ये जो घर है ये बहुत पुराना घर है। पहले इस टाइप के घर हुआ करते थे पर बहुत कम इस टाइप के घर मिलते हैं आजकल। रोज शाम को मौसम इस तरह का हुआ होता है, जो बादल है वो रेड रेड दिखाई देता है। मेरे फोन पे बैटरी भी 10% रह गई। अब घर पे ही मिलते हैं। We are back. Welcome. अभी तो गर्मी लगी है। ठंड थोड़ी लगी है। ये सूट है। जाओ जी नेतनी, जाओ जी। पर जाओ जी नेतनी। 20 किलो है। 10 किलो का, 10 किलो। अंजी का बैग ले गए थे। मेरी सीट भारी के अदिति पार लोग बहुत थे ना इधर सकस्ती वाले। कोई नहीं थे, सकस्ती वाले वो भाई मार लिए थे पार के।